सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आ गया हूँ दिल्ली की जामा मस्जिद। काफ़ी बार देखी होगी आपने, लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि आप जामा मस्जिद में तो कई बार आए होंगे, लेकिन इसमें जो इसकी मीनार है उस पर शायद ही कोई गया हो, या कोई जाता है तो वो उस टाइमिंग पे नहीं आ पाता जब उसे मीनार पे जाने का जो टिकट होता है वो मिलता है। तो मैं आज आपको इस मस्जिद के बारे में बताऊंगा ही नहीं, बल्कि इसकी मीनार पे भी आपको लेकर जाऊंगा और वहां से दिखाऊंगा आपको कि कैसी दिखती है दिल्ली मीनार के ऊपर से। सो गाइस, इस व्लॉग में बने रहिए और चलते हैं अब आगे वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, जामा मस्जिद को लाल बालुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 80 मीटर है और चौड़ाई 27 मीटर। इसमें जो गुंबद देख रहे हैं आप, वो टोटल 3 हैं और 2 मीनारे हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 41 मीटर के अराउंड में है। तो दोस्तों, मैं अंदर ले जाते हुए आपको इसको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वही गेट नंबर 3 है जिससे शाहजहाँ स्पेशली लाल किले से नमाज पढ़ने के लिए हर फ्राइडे यहाँ आया करते थे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गेट नंबर 3 है, यहाँ से खुद शाहजहाँ आते थे नमाज पढ़ने के लिए। अभी फिलहाल तो यहाँ टूरिस्ट बैठे हुए हैं, उनका एक गाइड है जो उन्हें समझा रहा है इस मस्जिद के बारे में। दोस्तों, मैं एक ख़ास बात बता दूं कि जामा मस्जिद को शाहजहाँ ने स्पेशली बनवाया था, इसलिए क्योंकि जो लाल किला है उसमें भी एक मस्जिद है, लेकिन वो चाहते थे कि कोई एक ऐसी मस्जिद बनाई जाए जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो और इसको उनके तख्त से ऊंचाई पर बनाया जाए। तो उसके बाद इस जगह का सिलेक्शन हुआ और यहाँ पर जामा मस्जिद को बनाया गया। लगभग 1656 में इसको बनाने का काम शुरू किया गया, जो खुद शाहजहाँ ने करवाया था, और 6 साल में ये बनकर रेडी हुई। और इसमें जो उस वक्त जो खर्चा आया तो वो तकरीबन 10 लाख रुपए तक का खर्चा आया था। अब हम दोस्तों चलते हैं मीनार की तरफ, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं इस मस्जिद की उस मीनार पर जहाँ से पूरी दिल्ली अराउंड दिखती है, और दिखती ही नहीं है बल्कि एक बेहतरीन नज़ारा है, बेहतरीन व्यू है, जो मैं आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। ये जा रहा है मीनार की ओर रास्ता। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं ऊपर मीनार की तरफ, जामा मस्जिद की। ओह माय गॉड, पहली बार ऊपर आए हैं और देखा है यहाँ से कैसा व्यू आता है। बहुत ही शानदार व्यू है इस साइड का। इस आपको ये साइड दिखाता हूँ, आइए, जो कि नई सड़क की तरफ जा रहा है रास्ता। काफी रश हो रखा है यार, बहुत ज्यादा रश है। सो गाइस, अभी हम जाने वाले इस मीनार के ऊपर, आप देख सकते हैं, आइए तो ऊपर से देखते हैं कि मीनार कैसी दिखाई देती है ऊपर से। सो गाइस, अब हम ऊपर जाएंगे इस मीनार पे। ये उस टाइम पे बैठने के लिए बना रखे हैं, देखो। पहले यहाँ बैठते होंगे साइड के नज़ारे लेने के लिए। ओहो माय गॉड, वाह। ये है वो दरवाज़ा जो ठीक मीनार की तरफ जा रहा है। गाइस, अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर।
और देखते हैं। ओहो, चढ़ने का रास्ता ठीक है। तो गाइस ये कंप्लीट है ना, देख क्या मैं। सो गाइस ये मीनार है। टिकट टिकट टिकट। सो गाइस अभी हमने टिकट ले दिया है। मीनार के ऊपर आते हैं आप तो टिकट लेना होता है, 50 रुपये का टिकट है। ऊपर आएंगे ये भैया आपसे टिकट ले लेंगे। और ये गुम्बद देख सकते हैं आप, वाह बहुत अच्छी लग रही है यार। अभी हम जाने वाले मीनार पे। अभी हम जा रहे हैं और हम थक चुके हैं बिल्कुल। अभी हम मीनार के अंदर हैं और अगर आप आते हैं तो पानी पी जाए अच्छे से, क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपके पैर बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। मेरे हल हल देखे। हाँ भाई, ओए हेलो, थक गए तुम भी? हाँ भाई बहुत ज़्यादा। पर रेहान भैया ब्लॉग पे चक्कर ना करे, अरे पैर टूट गया मेरे। हैरान हो चुका है कि सब नीचे चले जाए। एक बार गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेड फोर्ट कितना शानदार दिख रहा है। यहाँ से दिख रहा है इसको। सो दोस्तों अभी हम मीनार से नीचे आ चुके हैं और अभी मैं जाने वाला हूँ नीचे, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसा व्यू था और क्या था। अभी नमाज का टाइम हो चुका है तो बंद कर रहे हैं इसको, ठीक है। ऊपर जाना तो आप कभी भी आते हैं यहाँ ज़रूर आए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे और अगर आप आते हैं यहाँ पे तो पैरों को अच्छे से होक करके आएँ, क्योंकि आप बहुत थकने वाले हैं। आके अभी चला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर आपको पसंद आया मेरा व्लॉग तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन कर लें ऑल पे, ताकि मैं कभी भी वीडियो नई अपलोड करूं तो आपके पास फ़ौरन से नोटिफिकेशन जाए उस व्लॉग का और आप उसे भरपूर सपोर्ट कर सकें। सो जब तक रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।